बहुत स्वागत है जी सारिया का। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला ते मेरे नाल मौजूद ने पंजाब दे मन्ने परमन्ने वीजा सलाहकार अमरजीत सिंह कंवर साहब। अज दे समय च जनवरी इनटेक लई डेडलाइन की है, विद्यार्थी किवें कनेडा नूं प्लान करन, आयल्स स्कोर तो लैके फंड्स की रिक्वायरमेंट किनी है, अज इस कंप्लीट प्रोसैस से गल करांगे कनेडा दे। कंवर साहब बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। कंवर साहब सब तो पहले तो यह दस दौ कि कनेडा जनवरी इनटेक की डेडलाइन की है, कदों तक स्टूडेंट है जिहड़ा वह फाइल आ सकता है, कदों तक वो प्रैपरेशन करे, कदों ऑफर लैटर अप्लाई करे, ऑफर लैटर की स्थिति की है? कैनेडा की अगर आप इस डेट से गल कर रहे हैं दोस्तों, तो एक चीज़ नोट कर लो, जो तुसी शो देख रहे हो समवेयर, मैं सैटरडे शूट कर रहा, सो तुसी नैक्सट वीक देखोगे, एक चीज़ याद रख लो कि अज की रेट से क्यूबेक अगर अप्लाई करना है तो थोड़े को एक्चुअली 15 to 20 देने हैं, क्योंकि उस तो बाद अगर क्यूबेक अप्लाई करोगे तो CAQ दी डिलेज ज्यादा होने के चांस होंगे जनवरी इनटेक के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे CAQ मतलब 15 सितंबर तो बाद औखा औखा, मैं नहीं कहता बंद होगा, लेकिन हाँ सितंबर एंड तो बाद क्यूबिक बहुत औखा हो जूगा, प्रैक्टिकली समझने की लड़ है। सो उदो जो बचा होगा जितों ऑफर लैटर जल्दी मिल सकता, जिद ने CAQ अप्लाई हो सकता, फिर उन्होंने ऑप्शन पर आपको ध्यान देना पेगा। ब्रॉडवे उदा के भी सोल्यूशन थोड़े लिए लियाऊगी, बट मैं चाहूँगा कि अज की डेट अगर तुम अप्लाई कर दौ तो अपनी इच्छा अनुसार अपने मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हो। एंड सैकेंड थिंग, अगर तुसी कैनेडा की अज तैयारी कर रहे हो तो आ भी ध्यान रखो कि आप ओंटारियो नू टारगेट नहीं करना, हूँ टोरोंटो ब्रैम्पटन जिहड़े एरियाज आ, मैं नहीं कहता कोई कॉलेजिस कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, कोई रूल चेंज नहीं है, बट CRS पॉइंट हाई हो गया। अगर थोड़ा कोई उत्थे दोस्त है, मित्र है, भरा है, रिश्तेदार है, तो तुम उन्होंने पूछ सकते हो कि जेडे बच्चे ओंटारियो पढ़े सके उन्होंने अज की डेट से ओंटारियो PR नहीं मिलता, उन्होंने जाके क्यूबिक, नोवास्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड, न्यूफाउंडलैंड, इदा दिया अलग स्टेटा के जाके रहना पै रहा अपना PR हासिल करन दे लई। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे जेडे हूँ प्लैन कर रहे हैं वो पहला ही आउट ऑफ ओंटारियो टारगेट करन, आउट ऑफ ओंटारियो ही कैनेडा का नैक्सट प्लैन है। इनू समझो, अगर तुसी नेट ते सर्च करोगे तो यू विल फाइंड अ न्यूज़, अगर तुसी लिखोगे उदे विच कुछ भी लिख लो, डायवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्लैंड बाय कैनेडा, जिदे विच कैनेडा ने सिंपली क्लीयर किया कि असी चाहुंदे जिहड़ा बच्चा हुण आवे वो मेनलैंड मतलब वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट जिहड़ा है और प्लस अपना ओंटारियो वाला पार्ट है, इनू छड़ के वो बाकी जगह पर आवे। सो बाकी जगह दे विच प्रिंस एडवर्ड, एल्बर्टा, स्कैचवान, क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड, लैबराडोर, सो इदा दिया अपरचुनिटीज़ तो वो दे रहे ने, उत्थे PR तुहाडे लई ईजी है, जिहड़ी मेन चीज़ है, वंस यू गैट अ PR उस तो बाद किते भी चल जाओ। ओंटारियो च रह के कोई बाले डॉलर नहीं कमाए जाने, पढ़ाई च खर्चा होना ही होना है, वो खर्चा पार्ट टाइम जॉबा कित भी निकल जूगा, PR जो सौखी होगी फुल टाइम वर्क परमिट पर हो गए, फिर चाहे तुम ओंटारियो रहे हो, चाहे वैंकूवर रहे हो, चाहे सरी रहे हो, यू कैन चूज एनीथिंग। सो इतें थोड़ा जहा अपने आप नूं स्मार्टली इंटैलीजेंटली इनवैसट करन दी लोड़ है, फ्यूचर नूं समझण दी लोड़ है, सिर्फ एक उस आपां वहम च ना चलीए मेरा दोस्त या कज़न उत्थे, अगर तुहाडा दोस्त या कज़न उत्थे है, मैं ब्रॉडवे इमीग्रेशन दे इस प्लेटफॉर्म तो तुहानूं पूरे विश्वास नाल कह सकदा, तुसीं उत्थे अपने कज़न या दोस्त नूं फोन करो और पुछो कि ओंटारियो च जिहड़ा बच्चा पढ़ रहा है कि उन्हूं ओंटारियो दे विच PR मिल रहा है, मुश्किल हो रही है। सो पहला ही वो रस्ता फड़ना हुण शुरू करो जिथे तुहाडा फ्यूचर बैटर सैटल हो सकता हो सकता है। सो बहुत अहम जानकारियां तुसीं कनेडा बारे भी सांझियां कीतियां। सो जिन्हां दा आस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ हो गया जी, वो हुण कनेडा बारे सोच सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने PTE की है, हालांकि गल्लां इह भी आईयां ने कि PTE असैप्टड घट जगह है, सक्सेस रेट भी PTE नाल ज़्यादा नहीं बन रहा, इहदी चर्चा मैं देखो ऑनेस्टली मैं तुहानू सिंपली कहूँगा जी, अगर तुसीं कैनेडा आस्ट्रेलिया तो रिफ्यूज हो, तुहाडा PTE स्कोर अच्छा है और तुहाडे गैप्स वर्गे इशूज़ नहीं हैगे या मिनिमम गैप्स है, अकैडमिक भी वो स्ट्रोंग है, 55% वाला नहीं जिन्हें PTE की है, 60-65 होने नाल PTE कर ली, PTE भी इक्वलेंट टू 6 ईच है, तो तुहानू जिहड़ा कॉलेज असैप्ट करता है, अच्छा डिप्लोमा कोर्स मिलता है और यूनिवर्सिटी अगर असैप्ट करती है तो गो फॉर इट, कोई एड्डी वड्डी प्रॉब्लम नहीं गी। बट हाँ आईलैट्स के मुकाबले फर्क है, फाइल नॉन SDS रहती है, SDS नहीं बनती,
ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 'ਚੋਂ 9 ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 10 'ਚੋਂ 7 ਜਾਂ 8 ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਟ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ UK ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲਸ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।